अनु किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम मटन स्टाइल में आलू गोभी की सब्जी बनाने जा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाकर मेरे वीडियोस को लाइक करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। इसके लिए 500 ग्राम गोभी लिया है, जिसे बड़े बड़े आकार में काट लिया है। 4 आलू को हमने छील कर गोल शेप में मोटे मोटे काट लिया है। 2 प्याज को स्लाइस कर लिया और हमें चाहिए 8 के लिए लहसुन, 1 बड़ी इलायची, 2 लौंग, 2 छोटी इलायची, साबुत लाल मिर्च 5, 1 तेज पत्ते, 1/2 इंच अदरक, 8 से 10 काली मिर्च, जीरा, सरसों तेल, गरम मसाला, नमक, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर। सबसे पहले हम साबुत मसाला पीस लेंगे। लाल मिर्च, छोटी इलायची, लवंग, बड़ी इलायची, लहसुन, अदरक, काली मिर्च और जीरा, यहाँ पे सारे साबुत मसाला डाल लिया है। इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेंगे और इसे पीस लेंगे। मसाला हमने पीस लिया है। एक बर्तन में सब्जी डाल लेंगे, गोभी, आलू और प्याज। प्याज हम थोड़ा सा बचा लेंगे फोरन के लिए। सब्जी हमने सारा डाल लिया है, जो मसाला पीस कर रखा था वो डालेंगे। एक चम्मच गरम मसाला, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, 2 चम्मच सरसों तेल। मसाले को सब्जी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर अच्छे से मिक्स हो गया है सब्जी के साथ मसाला, देख सकते हैं। कुकर हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें 4 चम्मच तेल डालेंगे। ये सब्जी सरसों तेल में ही बना है, बहुत टेस्टी बनता है। इसमें तेल तो लगता ही है, मटन स्टाइल में बना रहे हैं तो। तेल हमारा गर्म हो गया है, अब इसमें तेज पत्ते डालेंगे। तेज पत्ते को कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे। गैस हमने मीडियम फ्लेम पे रखा है। तेज पत्ता भून गया है, इसमें प्याज डाल लेंगे। प्याज को जब तक भूनेंगे जब तक लाइट गोल्डन ना हो जाए। प्याज हमारा लाइट गोल्डन हो गया है। अब इसमें सब्जी डालेंगे जो मसाले के साथ मिक्स करके रखा है। इसे मिक्स कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेंगे। सब्जी को बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि नीचे से जले ना। आज ये सब्जी हम मटन स्टाइल में बना रहे हैं। उम्मीद है सबको बहुत पसंद आएगा। मसाले को जब तक भूनेंगे जब तक कि मसाले से तेल छोड़ना शुरू ना हो जाए। सब्जी को बराबर से चलाते रहें। आप कोई भी सब्जी बनाएं, मसाले अच्छे से ना भूने उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। इसलिए कोई भी सब्जी बनाएं, मसाले अच्छे से ही भूने। मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है, अब इसमें 1.5 कप पानी डालेंगे। इसे मिला लेंगे।
कार का ढक्कन लगाकर इसे एक सीटी लगवा लेंगे। एक सीटी लग गया है, अब गैस बंद कर लेंगे, ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। कुकर हमारा ठंडा हो गया है, अब देख सकते हैं कलर कितना सुंदर आया हुआ है और आलू गोभी बिल्कुल टूटा नहीं है। हरा धनिया से गार्निश कर लिया है। आलू गोभी का मटन वाली सब्जी बनकर तैयार है। आप इसे रोटी या चावल के साथ गर्मा गर्म सर्व करें, खाएं, सबको खिलाएं। अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करें, कमेंट जरूर करें।